गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू में अफगान आर्मी चीफ जनरल शेर मोहम्मद करीमी का कहना था, पाकिस्तान ने अमेरिका को मतलूब अलकायदा और तालिबान जंगजुओं की फहरिस्त फराहम की जिनसे पाकिस्तान छुटकारा हासिल करना चाहता था। अमेरिका ने ड्रोन हमले खुद से शुरू नहीं किए, ड्रोन हमलों को इस्लामाबाद की हिमायत हासिल है। ड्रोन हमलों में हमेशा पाकिस्तानी तालिबान को निशाना बनाया जाता है। ड्रोन हमले कभी भी हक्कानी या किसी दूसरे अफगान तालिबान ग्रुप के खिलाफ नहीं किए गए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तान तालिबान को कंट्रोल करता और उनके रहनुमाओं को पनाह देता है। अगर पाकिस्तान तालिबान क्यादत पर दबाव डाले या उन्हें कायल करे तो अफगानिस्तान में जारी लड़ाई हफ्तों में खत्म हो सकती है। अफगानिस्तान में अमन का दारोमदार अमरीका और पाकिस्तान पर है। ये दोनों मुल्क चाहें तो अफगानिस्तान में अमन कायम हो सकता है। अफगान जनरल ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है जिसका मुकाबला मिलकर